गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद के परिसर में शुक्रवार को कुलपति सहित अन्य लोगों ने वृक्षारोपण किया। इस संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बताया कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है और वर्तमान समय में विश्व में कोरोना के कारण शोक का प्रभाव व्याप्त है। ऐसे में अशोक वृक्ष शोक के माहौल को दूर करने का प्रतीक होता है। इसी को देखते हुए अशोक के वृक्ष को लगाया गया है और इसी संकल्प के साथ हमें विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी है। इसी के तहत शुक्रवार को परिसर में 5 अशोक के वृक्ष लगाए गए हैं और इसी पंक्ति में 6 अशोक के पौधे और लगेंगे। हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना होगा अगर जीवन में खुशी चाहते हैं तो पौधे लगाना होगा। एक वक्त ऐसा था कि लोग बुजुर्गों के नाम पर बाग बगीचे लगाते थे, आज भी उसकी ज़रूरत है। इस मौके पर कुल सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश, सचिव डॉक्टर विजय चहल, सह सचिव राजवीर सिंह, भूगोल विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस के सिंह, महेंद्र सिंह, डॉक्टर मनीष पांडे, कार्यालय सहायक पुनीत श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, में पौधारोपण किया गया है। अशोक के पेड़ प्रांगण में लगाए गए हैं और हम क्रीड़ा परिषद के पूरी टीम को, चहल जी को और उनकी पूरी टीम को, क्रीड़ा परिषद के जो हमारे नव निर्वाचित अभी नियुक्त हुए हैं हमारे प्रोफेसर अजय शुक्ला जी, हमारे कुल सचिव जी, प्रॉक्टर महोदय, इस अवसर पर आज उपस्थित हैं और अशोक का पेड़ इस भावना से लगाया जा रहा है कि जो कोरोना का शोक पूरे विश्व में व्याप्त हो, इस पेड़ के बढ़ने के साथ ही सारा शोक समाप्त हो और अशोक का पेड़ एक अच्छा शुभ पेड़ माना जाता है, तो हमारे विश्वविद्यालय के ग्रीनरी में थोड़ा और बढ़ोतरी करेगा। खासकर जो हमारा क्रीड़ा परिषद का क्षेत्र है, इसमें आने वाले समय में भी और एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाएंगी। बरसात ख़त्म होने के बाद पूरे प्रांगण की साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा और हम इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएँ देते हैं। वृक्ष की अपनी जो हमारे पुरातन संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जो महत्ता है वह सबको पता है कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य अंग हैं और हमारे जीवन वृक्ष के बगैर नहीं चल सकता और हमारे संस्कृति में तो वृक्षों की पूजा भी की जाती है। तो मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ और कोरोना से मुक्ति मिले, इस शुभकामना के साथ आप सबका धन्यवाद।